नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को। पंचायत चुनाव में नहीं चलेगी मुखिया जी की मनमानी। बिहार में इस साल पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है, वहीं पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी है। इसी बीच मुखिया जी के लिए अहम खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव में मुखिया जी की मनमानी न चले, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब मुखिया जी के घर के 100 मीटर के दायरे में मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा। राज्य केंद्र आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस चुनाव में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी न तय करनी पड़े, इस बात का भी खास ध्यान रखा जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने विभिन्न पदों पर निकाली रख दिया। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल मिलाकर 671 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास बीएससी नर्सिंग बीएएमएस की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31/1/2021 से पहले नेशनल हेल्थ मिशन की आधिकारिक वेबसाइट www.nrhmharyana.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के 15 जुलाई आई कोल्ड डे की चपेट में। बिहार में ठंड का असर लगातार जारी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में ठंड से लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के 15 जिले कोल्ड डे की चपेट में है, जिसके बाद अगले 24 घंटे के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2 दिन लगातार अधिकतम तापमान के सामान्य से 4 या इससे अधिक डिग्री तक कम होने की स्थिति में मौसम विभाग की ओर से कोल्ड डे की घोषणा की जाती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से अगले 24 घंटे तक लोगों को कड़ाके की ठंड से बचने की सलाह दी गई है। बिहार में छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को आज लगाया जाएगा टीका। बिहार समेत पूरे देश में टीकाकरण का काम जोर शोर से देखने को मिल रहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले दिन छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आज टीका लगवाने का आखिरी मौका दिया गया है। अगर आज भी जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका नहीं लगवाया उनका नाम कोविड पोर्टल से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ऐसे कर्मियों को फिर बाद में सामान्य नागरिकों की तरह ही टीका लेना होगा, जिसकी जानकारी टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर SP विनायक ने दी है। हालांकि सभी लोगों को मोबाइल के माध्यम से सूचना दे दिया गया है। ज्ञात हो पहले दिन जिन टीका केंद्रों पर टीका लगवाया गया था आज भी उन्हीं केंद्रों पर टीका लगाने का काम किया जाएगा। लोजपा की आज होगी संगठन विस्तार को लेकर अहम बैठक। लोजपा की अहम बैठक आज होने वाली है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से जिला अध्यक्षों के चयन एवं संगठन विस्तार को लेकर गठित 15 सदस्यीय कमेटी की बैठक आज लोजपा कार्यालय में होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद प्रिंस राज करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी नेता राज्य में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के और बिहार में लोजपा के भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात की भी समीक्षा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ से लोजपा के 27 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पार्टी के अंदर ही मतभेद कायम है। बिहार के शिक्षकों को मिलेगी निष्ठा ट्रेनिंग। बिहार सहित देश भर के शिक्षकों के लिए जारी विशेष निष्ठा प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों के लिए एक और मौका जारी किया गया है। खासकर कि वैसे शिक्षकों के लिए यह एक अवसर होने वाला है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से विकसित 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण नहीं लिया है, जिसके बाद अब ऐसे शिक्षक 16 से 31 जनवरी तक शुरू होने वाले निष्ठा ट्रेनिंग का हिस्सा वो बन सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने का निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऐसे शिक्षकों को इस महत्वपूर्ण ट्रेनिंग कार्यक्रम से जोड़ने को कह दिया गया है। जीविका दीदियों की मेहनत से करोड़ों में पहुंचा कारोबार। बिहार में जीविका दीदियों की मेहनत अब नजर आ रही है। आपसी तालमेल और कड़ी मेहनत की बदौलत दीदियों ने सिर्फ 2.5 साल में सहरसा वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के कारोबार को 1,30,00,000 के पार पहुंचाने का काम किया है। कंपनी की जब 13 जून 2018 को स्थापना हुई थी तो 15,70,000 रुपए में इस कारोबार की शुरुआत की गई थी। कंपनी से जुड़ी 140 दीदियों ने 5,500 रुपए लगाकर कारोबार करना शुरू किया था। जीविका ने 15,00,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देकर उनके हौसले को पंख देने का काम किया था। खुद के पैर पर खड़े होने का हौसला
पाले दीदियों की मेहनत की बदौलत अभी सहरसा वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का कारोबार 1,32,00,000 पर पहुंच गया है। बिहार में दरोगा और सार्जेंट के पीटी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को करना होगा और ज्यादा इंतजार। बिहार में दरोगा और सार्जेंट के 2,213 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन में अभी समय लगने वाला है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले आयोग ने 15 जनवरी को दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2,446 पदों के लिए मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि इसकी शारीरिक परीक्षा लेने के बाद ही नई बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दरोगा और सार्जेंट के 2,213 पदों के लिए भले ही आवेदन लिए जा चुके हैं, पर अभी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा की तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बाकी हकीकत में तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। 20 जनवरी को मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं द्वारा आज तख्त श्री साहिब श्री हरिमंदिर से बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। पंच प्यारे की अगुवाई में तख्त श्री हरिमंदिर से निकाली गई बड़ी प्रभात फेरी गुरुद्वारा से होकर नगर भ्रमण करता हुआ वापस श्री हरिमंदिर पहुंचा। इस दौरान गाजे बाजे के साथ निकाले गए इस प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रभात फेरी में जहां पंच प्यारे हाथों में ध्वज लिए आगे आगे चल रहे थे, वहीं पीछे पीछे श्रद्धालुओं का जत्था वाहेगुरु का मंगल पाठ करता नजर आया। लालू यादव ने आज सुबह सुबह ट्वीट जारी कर सरकार का किया घेराव। राजधानी पटना में हाल ही में हुए रूपेश सिंह मामले के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने शुरू हो गए हैं। लगातार बिहार की लचर हुई कानून व्यवस्था पर विपक्ष निशाना भी साध रही है। इसी क्रम में अब रूपेश सिंह मामले को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव ने भी अब सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह सुबह ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि ठोको ताली बजाओ गाल, बिहार में राजद सरकार के आखिरी साल 2004 में अपराध के कुल 1,15,216 मामलों को दर्ज किया गया था, जबकि नीतीश सरकार में 15 साल बाद साल 2019 में कुल अपराधों का आंकड़ा बढ़कर 2,69,096 पर पहुंच गया है, यानी दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। अपराध दोगुना, फिर भी सुशासन राज। शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने आज भरा नामांकन। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए चेहरों का चयन हो गया है, जिसके बाद भाजपा ने अपनी इन 2 सीटों को अपने पास ही रखा है। वो अलग बात है कि 1 सीट भाजपा ने अपने सहयोगी मुकेश सहनी को दे दिया है। वहीं भाजपा ने अपनी तरफ से शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है, जिसके तहत दोनों ही प्रत्याशियों ने आज नामांकन भर दिया है, जहां मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत पार्टी के तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विधान परिषद में भाजपा कोटे की 2 सीट बीते दिन खाली हुई थी, जिसमें से 1 सीट पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने से और दूसरी सीट विनोद नारायण झा के विधायक बनने के चलते खाली हुई है। पप्पू यादव ने रूपेश सिंह मामले में लगाए बड़े आरोप। बीते दिनों पटना के पुनाईचक में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह को उनके घर के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में हाल ही में जा प्रमुख पप्पू यादव ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सामने आए चैट में यह खुलासा हुआ है कि उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए भेजे गए थे और बिहार के कई अधिकारियों और माफिया से जुड़े हुए हैं। पीएचईडी और बिजली विभाग के ठेकों में रूपेश सिंह की संलिप्तता थी। दरभंगा में नहर का ठेका जिस कंपनी को मिला, उसमें भी रूपेश सिंह शामिल थे। इन्हीं वजह से बड़े ठेकेदार नेताओं और अधिकारियों के इशारे पर रूपेश सिंह की जान दी गई है। इसकी पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। कंगना रनौत ने एक्टिंग में वंशवाद के अलावा एक बड़ी परेशानी होने की फिर कही बात। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर अपने बयान के लिए जानी जाती है। वहीं एक बार फिर से उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन ट्वीट जारी करते हुए कहा कि वंशवाद और मूवी माफिया के अलावा एक और समस्या जो एक्टर होने के तौर पर परेशान करती है, वो है नाइट शिफ्ट। जब सूरज उगता है, बॉडी क्लॉक और फूड साइकिल पूरी तरह से बिगड़ गया है। शुरुआती कुछ रातों में मैं भूख ना लगने की समस्या से परेशान थी। शरीर के सेट होने का इंतजार कर रही हूं। ट्विटर पर क्या न्यूज है। बारिश में चलते रुका मैच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4th मैच पर बारिश ने एक बार फिर से अड़चन डाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 294 रन बनाकर ऑल आउट हुई और उन्होंने भारत के सामने जीत के लिए 328 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 336 रन बनाए थे। पहली पारी में
कंगारू टीम 369 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस समय सीरीज 1-1 से बराबरी पर चल रही है। हालांकि अब बारिश के कारण मैच रुक गया है और खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम ने 1.5 ओवर में 4 रन बनाए थे, जहां रोहित शर्मा ने 4 रनों की पारी खेली, वहीं शुभमन गिल अभी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मौजूदा बिहार सरकार की सुशासन व्यवस्था से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।